हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे लॉन्च ऑफ बीच फ्रंट प्लॉट बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एट अंजारले रत्नागिरी। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का कोड नेम बीच फ्रंट है और ये बिल्कुल लिमिटेड एडिशन है। तो कोड नेम बीच फ्रंट प्लस ये 7 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है, जिसमें सिर्फ 84 प्लॉट्स है और सारे लग्जरी प्लॉट्स है। इस प्लॉट से रिडली बीच हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों, लोधा डेवलपर इज नोन फॉर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी एंड वेल्थ क्रिएशन। इनके प्रेजेंस कोंकण बेल्ट, अलीबाग, अयोध्या और फर्दर ऑन वृंदावन, शिमला और अमृतसर में भी प्लॉट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो रिसेंटली अयोध्या में इनका काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल सेल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों, अंजारले में सोहा अली खान ने भी प्लॉट लिया है और पिछले 3 साल में धापोली में 115% एप्रिसिएशन देखा गया है प्लॉट में, और 2 साल में अंजारले में 45% एप्रिसिएशन देखा गया है। तो ये जो प्लॉट है दोस्तों, ये बिल्कुल सी साइड को लगकर है और इसके एग्जैक्टली पीछे वेस्टर्न घाट्स है, तो दोनों तरफ से आपको ब्यूटी है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो लाइट हाउस आप देख रहे हैं और नीचे जो आप बीच आप देख रहे हैं, दिस इज रिडली बीच, ऑलिव रिडली बीच, जहाँ पर टर्टल्स आते हैं अपने ब्रीडिंग के लिए। और इस बीच से 300 फीट अबाव बीच फ्रंट प्लॉट्स है, तो ऑलमोस्ट सी टच ये प्लॉट्स है। इसके सराउंडिंग में 9 अनटच बीचेस है इंक्लूडिंग रिडली बीच, और यूनेस्को हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दिस साइट हैज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर सराउंडिंग एरियाज में बहुत सारी यूनिक फ्लोरा और फौना आपको देखने मिलेगा। महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका लोकल फूड्स यहाँ पर बहुत कॉमन है। प्लस आप सभी जानते हैं रत्नागिरी अल्फांसो मैंगोस काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट साउथ मुंबई से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी तो ट्रांस हार्बर लिंक भी रेडी हो चुका है, जिसका नाम अटल सेतु ब्रिज है। यहाँ से आप जाते हो तो आप और जल्दी पहुँच जाते हो। प्लस इस लोकेशन के लिए ग्रीनफील्ड कोंकण एक्सप्रेसवे का भी काम चल रहा है, कोंकण कोस्टल रोड का भी काम चल रहा है, जो कि 450 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा, और NH66 मुंबई गोवा हाईवे का भी काम चल रहा है। तो आप मुंबई से और पुणे से इस लोकेशन तक मैक्सिमम 3 घंटे के ड्राइव पर आप पहुंच सकते हो। अगर आप मुंबई से बाई ट्रेन भी अगर आप जाते हो तो मैक्सिमम 4.5 घंटे के रनअप पर आप पहुँच सकते हो। और इनफैक्ट आपको खेड़ उतरना है, जो कि 3 घंटे का रनअप है, और खेड़ से वहाँ से फिर 12 से 15 किलोमीटर का रनअप है। तो यहाँ पर दोस्तों, इस लोकेशन पर अंजारले में 2035 तक 3.5 गुना टूरिस्ट फुटफॉल का ग्रोथ होगा। तो हर साल यहाँ पर 65% का टूरिस्ट का ग्रोथ होगा। तो उस हिसाब से अंजारले में कम से कम 1100 होटल्स रूम्स का रिक्वायरमेंट होगा 2032 तक। प्लस विलाज और होटल्स का जो रेट है, अगेन यहाँ पर 90% का ग्रोथ देखा जाएगा 2032 तक। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देखेंगे ये एक्चुअल लोकेशन का शॉट है, जहाँ से प्लॉट से डायरेक्ट आप बीच के ऊपर आते हो। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देखेंगे ये बीच फ्रंट का मास्टर प्लान है, और ये 7 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें कुछ क्लस्टर्स लेफ्ट साइड में दिया है, फिर उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो कुछ क्लस्टर राइट साइड में है, फिर अगेन कुछ क्लस्टर लेफ्ट साइड में है, और जैसे ही आप बीच की तरफ आप जाते हो तो कुछ क्लस्टर अगेन राइट साइड पे दिया है, और फाइनली आप बीच की तरफ जाते हो। तो लोकेशन दोस्तों, इसका बहुत ही प्यारा लोकेशन है। तो यहाँ पर दोस्तों, डेवलपर इज इंस्पायर्ड बाय वर्ल्ड रिनाउंड बीचेस, जैसे सेंटोरिनी बीच, सेंट ट्रोपाज एंड लोड हाव आइलैंड, क्योंकि ये जितने भी बीचेस है फॉरेन में, दिस इज लाइक सेकेंड होम बीच हाउस। और यहाँ पर ट्रेमेंडस ग्रोथ देखा गया है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ देखा गया है। प्लस डेवलपर ने यहाँ पर अंजारले में पहले जितने भी प्लॉट्स लॉन्च किए हैं, उसका काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल सेल रहा है, जैसे टुमारो लैंड, ग्रेट लैंड फेस्टिवल, टुमारो वर्ल्ड, टुमारो व्यू, और अभी कोड नेम ब्रिज फ्रंट लॉन्च किया है। और ये सभी क्लस्टर के लिए 2 कॉमन क्लब हाउस दिया गया है। तो एक क्लब हाउस 20,000 स्क्वायर फीट का होगा और दूसरा क्लब हाउस 10,000 स्क्वायर फीट का होगा। तो यहाँ पर एमिनिटीज में आपको क्लब हाउस में बीच गेम जोन मिलता है फॉर किड्स एंड एडल्ट्स, बॉनफायर पिट होगा, हैमॉक विद सी व्यू, ओपन एयर बीच व्यू कैफे, एक्सक्लूसिव गेस्ट सूट्स, व्यूइंग डेक, कैंपिंग स्पॉट्स, ओपन एयर वेलनेस सेंटर फॉर योगा, स्पा सर्विसेज एंड फिटनेस, स्टार गेजिंग जोन,
और यहाँ पर आप देखेंगे जो क्लब हाउस है, दिस इज हैज गुड एज 5-स्टार होटल, जो कि 300 फीट अबाउ सी लेवल पर दिया गया है। और यहाँ पर मोर देन 25+ एमिनिटीज दिया गया है, और सारे प्रोफेशनल साइज एमिनिटीज है। प्लस अदर एमिनिटीज में यहाँ पर आपको जिप लाइन, बर्ड बाथ, डॉग एंड पेट जोन, जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक, स्केटिंग रिंग, सनराइज पॉइंट, गार्डन एंड फ्लोरा नर्सरी, फ्ली मार्केट, ट्रेलिस कोर्ट, किड्स प्ले एरिया एंड आउटडोर जिमनेजियम। तो दोस्तों, अगर आप बीच साइड लिविंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सी शोर बिल्कुल आपके घर के बाहर हो, और रात को भी जब लहरों की आवाज़ हो, ऐसे वातावरण में अगर आप रहना चाहते हैं, तो ये प्लॉट आपके लिए है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो धापोली में स्टे विस्टा विला है, जो कि इस प्रोजेक्ट से हार्डली 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा, इसका वन नाइट का जो स्टे है वो 35,000 है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितना एप्रिसिएशन होगा इस प्रॉपर्टी का। और प्लस धापोली में अगेन सैफ्रन स्टेज है, जिसका वन नाइट का जो स्टे है वो 32,000 है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि विला का क्या रेंट है और क्या डिमांड है सराउंडिंग एरियाज में। तो यहाँ पर दोस्तों जो विलास का आपको जितना भी स्क्वायर फीट आप लेते हो, यहाँ पर आपको वन का परमिशन मिलता है। तो वन के परमिशन में आप ग्राउंड प्लस वन का आप स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। दैट मीन्स आप ग्राउंड फ्लोर पर वन बेडरूम, लिविंग रूम और किचन रहेगा, और सेकेंड फ्लोर पर दो बेडरूम रहेगा। तो 3 बेडरूम का विला आप आराम से यहाँ पर आप बना सकते हो, और सिमिलर टाइप ऑफ विला बना सकते हो जैसा आप इमेज में आप देख रहे हो। तो अगर रिटर्न्स की अगर आप बात करेंगे, तो समझ लो विला आपने 72 लाख में लिया है, और प्लस 70 लाख आपका कंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ है, तो आपको कॉस्ट ऑफ विला जो होता है वो 1 करोड़ 42 लाख के आसपास जाता है। तो समझ लो आपका साल में 100 दिन ही अगर आपका विला अगर रेंट पे जाता है, मिनिमम हम लोग ने पकड़ा है, तो आपका रेंटल इनकम 21,43,100 होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके इन्वेस्टमेंट का आपको 15% आपको रिटर्न मिलता है हर साल, और प्लस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो रहा है, वो अलग से एप्रिसिएशन हो रहा है। प्लस दोस्तों कोस्टल साइड में डेवलपमेंट के लिए ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखोगे, तो जो कोस्टल साइड में जो प्लॉट जो है डेवलपमेंट के लिए, वो हार्डली 0.1% है जहाँ से आपको सी व्यू मिलता है। तो उस वजह से भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का जो है, कोस्टल साइड के प्रॉपर्टीज़ का हमेशा से डिमांड रहा है। कोस्टल साइड के प्रॉपर्टीज़ का ये पिछले 3 सालों में डिमांड बढ़ा है, और भी आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये जो मास्टर प्लान आप देख रहे हैं, ये मुंबई के जू एरिया का है। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, जो बीच को लगकर जितने भी रेसिडेंसेस है, उसका पर स्क्वायर फीट का जो रेट है वो 1 लाख+ का रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट। और वहीं से अगर आप 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप जाते हैं, तो 65,000 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। तो उसी तरह अंजारले में भी अगर आप शीशोर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, तो 45 लाख का प्लॉट है, और उसी साइज का प्लॉट अगर आप बिल्कुल सी शोर के सामने आप लेते हो, तो 72 लाख का प्लॉट है। तो बीच फ्रंट से 1 किलोमीटर दूरी का जो प्लॉट है वो 23% मान लो आपको हायर रिटर्न दे रहा है, तो बीच फ्रंट के सामने आपको 81% आपको रिटर्न देगा। तो दोस्तों आपका प्राइवेट प्लॉट, प्राइवेट विला विद डायरेक्ट बीच फ्रंट ओपनिंग, ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर अवेलेबल है। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके साइजेस के ऊपर। यहाँ पर 1200 से लेकर 1400 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है वो 54,99,000 में है ऑल इन प्राइस। और इससे बड़ा अगर आप प्लॉट लेते हो, तो 1600 से 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसका प्राइस 67,20,000 है ऑल इन प्राइस। प्लस इसमें आपको पेमेंट स्ट्रक्चर भी मिलता है, इसका पोजीशन होगा दिसंबर 2025 में। तो अभी आपको सिर्फ 10% पेमेंट करना है एलोकेशन के लिए, 15% पेमेंट आपका मई में होगा, 20% पेमेंट आपका अगस्त में होगा, अगेन 15% ऑन नवंबर, 10% ऑन फरवरी, 25% अगेन ऑन मई 2025, एंड 5% ऑन पोजीशन दिसंबर 2025। तो अभी दोस्तों आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, जो कि सिर्फ 45,000 रुपीज़ है, और जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो आपको प्लॉट अलॉट किया जाएगा। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like, subscribe and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.